राधे राधे, मैं श्वेनिका का फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल विश्वास में, आपके अपने चैनल विश्वास में। तो आज है करवा चौथ। जैसे कि आप सबको पता है, आशा करती हूँ आपने भी व्रत ही रखा होगा, क्योंकि कई आशा इसलिए करती हूँ क्योंकि किसी में व्रत रखा जाता है कि कहीं पर नहीं रखा जाता। तो यहाँ पर हमारे कन्नू नन्नू नहा लिए हैं, सब कुछ काम हो गया है, फाइनली बच गया है 1:30 और अब मैं हो रही हूँ रेडी। तो मैंने यहाँ पर पोशाक पहन ली है, अभी पूरा फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने चूड़ा पहन लिया है, मेहंदी रच गई है बहुत अच्छी सी, मैंने 2 दिन पहले लिखवा दी। यहाँ पर मैंने लिखे हैं 7 वॉल्स है ना, और ये औरस यानी कि ऐसे मेरे हस्बैंड का नाम अवि और मेरा नाम शिवानी। तो यहाँ पर मैंने दिया आइज में लेंस और बस अब मेकअप वगैरह करना रहता है। अभी मैं विदाउट मेकअप हूँ बिल्कुल इस टाइम। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, सब कुछ आपको दिखाऊंगी कैसे क्या हुआ कैसे नहीं। तो जब तक के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। और ये जो इयररिंग है, ये मेरे हस्बैंड ने करवा चौथ गिफ्ट किया, और एक मंगलसूत्र, और बहुत ही सुंदर से प्रीटी से। वैसे मैं पहनती नहीं हूँ गोल्ड, घर में मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे फैंसी ज़्यादा पहनने का शौक है, बट हाँ ये गोल्ड है ब्यूटी से, अभी मैं इसे चेंज कर दूँगी। और पैरों के बिछिए एक पेयर मुझे भेजा था कीर्ति ने, मतलब दो दो के सेट थे दोनों पैरों के, तो दोनों पैरों के होते हैं ओवरसीज की बात है, दो दो के सेट थे, तो वो जिसमें से मैंने एक पैर माता रानी को पहना दिया और एक मैंने पहन लिया है। और एक अंगूठे का बिछा मैं लेकर के आई थी, और पायल मैंने पहनी है अभी वाली जो थी, मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। तो ये जो पोशाक है ये जयपुर से ख़रीद करके रतनगढ़ से सिल के आई है, बस ये कमर की फिटिंग थोड़ी सी लूज़ है, तो आज मैं नहीं कर रही क्योंकि लुंगड़ी डाल लूँगी तो पता नहीं चलेगा इस पर। बाकी बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। अभी मैंने गले की भी फिटिंग नहीं की है इसकी, थोड़ा सा ऐसे रोप खींच रही है तो गले की फिटिंग हो जाएगी। तो बस मैं रेडी होकर आपको अपना लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पहन रही हूँ चूड़ा, और आप मेरी मेहंदी देख रहे हैं अगेन कितनी सुंदर से रची है, और मेहंदी लगाई है मेरी ननद लगती हैं चुटकी, प्यार से हम कुसुम चुटकी बोलते हैं, वैसे नाम कुसुम है, तो कुसुम ने लगाई है मेहंदी। और चूड़ा काफ़ी सुंदर सा है, और ये पायल है जो मैंने अभी काफ़ी टाइम बाद पहनी थी इयरिंग, और ये सारी ज्वेलरी काफ़ी सुंदर है, जयपुरी ज्वेलरी है सारी। तो इस बार मैंने थंब के बिछे भी लिए थे पैरों के, और जैसे कि मैंने बताया फिंगर्स के लिए कीर्ति ने भेजे थे। तो वही मैं हो गई हूँ यहाँ पर रेडी, और ये मेरा लैश ना बार बार थोड़ा सा भाग रहा है क्योंकि फैन ऑन नहीं किया था ना इसको लगाते टाइम। तो ये है मेरा फाइनल लुक, बाकी आप सभी को रील अपलोड कर दी जाएगी, और अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना। अभी हम सुन लेते हैं कथा, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, और मैं पूरे दिन का व्लॉग बनाने का ट्राई करूँगी कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया, और ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। आज मैंने पहली बार है ना करवा चौथ पे राजपूती पोशाक पहनी है, जो लोग राजपूत हैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताना। बहुत ही सुंदर सी बेस जो बना के भेजी, और मैंने लूम भी लगाई है बाजूबंद की, पूंछी बंगड़ी और सब कुछ पहना है, हाथ कुछ ज़्यादा ही भर गए हैं ऐसा लग रहा है जैसे मेरे यहाँ शादी है। तो यहाँ पर हो गई अब हमारी कथा सुनने की शुरुआत। तो सबसे पहले हम जो है गणपति जी को आवाहन करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, उससे पहले हम कलश में जो है कला, या जो कलावा आप कहते हैं मूली, वो बांध लेंगे। गणपति जी जहाँ पर विराजमान करेंगे वहाँ पे स्वास्तिक बना लेंगे, चाहे वो थाली प्लेट जो भी हो, या किसी पटले पे आप पूज रहे हों। वैसे तो यहाँ पर ये पड़ोसी हैं हमारे, ये भी आए हैं, भगवान इन पर कृपा करे कि इनको एक बेबी भी दे, क्योंकि शादी को काफ़ी समय हो गया, 8 साल हो गए हैं, अभी तक कोई बेबी नहीं है। मैं कान्हा से प्रे करूँगी कि इनको जल्दी से बेबी दें। तो यहाँ पर हम गणेश पूजन के बाद सभी आपस में कलावा बांध रहे हैं, मैंने सबको तिलक कर दिया है, कनू ननू को भी सबको। सासू माँ ज़मीन पर नहीं बैठ पाती हैं इसलिए वो मुड्डी पर बैठी है, मुड्डी आप बोलेंगे तो छोटा स्टूल समझ लीजिए, तो मुड्डी पर बैठा दिया है, तो इस तरीके से ही मतलब कथा सुन लेंगी। इस बार जो सासू माँ की साड़ी है मैंने वो मीशो से मंगाई थी, तो काफ़ी सुंदर सी साड़ी आई है। इस टाइप से सासू माँ साड़ी पहनती नहीं थी, लेकिन मेरी कुछ साड़ियों ने काफ़ी सुंदर लगी, तो मैंने कहा कोई नहीं आपके लिए भी मंगा देते हैं। तो सासू माँ की साड़ी मैंने बाई मीशो से मंगाई है, अगर आप देखने के लिए बोलेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगी किसी वीडियो में कि किस तरीके की साड़ी है। तो यहाँ पर अब मैं कलावा बनवा रही हूँ, और उसके बाद में बस मैं ही कथा सुनाऊंगी, क्योंकि जब से मेरी शादी की पहली करवा चौथ है मैं ही कथा सुनाती हूँ। क्योंकि क्या होता था, जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमारी मम्मी हमें साथ में लेके ऐसे बैठती थी जब कथा वगैरह बोलते थे,
तो ऐसे ही, और ऐसे ही हम भी अपने बच्चों को लेके बैठते हैं ताकि बच्चों में संस्कार आए, बच्चों को हमारे रीति रिवाज सब पता रहे, कहानी कथाएँ जो भी होती हैं वो सब पता रहे। तो यहाँ पर हम थोड़े थोड़े चावल यानी कि अक्षत हाथ में ले लेंगे, हल्दी या सिंदूर में रंग के, थोड़े से वाइट नहीं लेंगे, तो उनको लेकर के हम सुनेंगे कथा। और जो ये वाले अक्षत होंगे ना जिसको हम कथा सुनेंगे लेकर के, ये हम इसका अर्घ जो है रात में डालेंगे। और जो बिनागी बाबा वाले होंगे दूसरे, उनसे हम अभी सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाएंगे। बिनागी बाबा यानी कि विनायक जी, कई लोग बिनागी बाबा बोलते हैं कि अहोई और करवा चौथ के बाद में जो कथा सुनी जाती है वो बिनागी बाबा की सुनी जाती है, जिससे वो कथा संपूर्ण मानी जाती है। और कई लोग विनायक जी की कथा बोलते हैं, कई लोग गणेश जी की कथा बोलते हैं, हमारे यहाँ बिनागी बाबा की कथा बोलते हैं। तो इस तरीके से अब हम सुन रहे कथा वही वीरावती वाली कथा, जिनके सात भाई थे और सात भाभियाँ थी। और जो है वो पहला त्यौहार करने के लिए आती है करवा चौथ का, तो उसे सबर नहीं होता। जैसे भी आपने सभी ने सुना होगा कि उसके भाई उसका ये दुख देख नहीं पाते हैं कि वो भूखी है बहन, और बहन के बिना भाई भी खाना नहीं खाते। तो जो भाई हैं वो एक डुप्लीकेट चांद क्रिएट करते हैं। ये मैं पूरी कथा तो तरीके से सुना रही हूँ, बट आपको थोड़ा शॉर्ट में सुना रही हूँ। तो वो चांद क्रिएट करते हैं, एक भाई पेड़ पे चढ़ जाता है दिया लेकर के, एक भाई छलनी लेकर चढ़ जाता है। एक भाई आवाज़ लगा देता है कि भाई देखो चांद निकला है, चांद निकला है। तो वो व्रत खोल लेती है, तो उसकी भाभी भी मना करती है कि नहीं नहीं अभी चांद नहीं निकला, लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती है कि नहीं चांद तो निकल गया। तो वो खाना खाने बैठती है, तो पहले टुक में तो बाल निकल जाता है, बाल निकलना खाने में अपशगुन माना जाता है। बट भाई ने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी औरत का गिर गया होगा भाई खाना बनाते टाइम पे, किसी भी भाभी का। फिर दोबारा टुक आती है तो उसमें मक्खी आ जाती है ना। तीसरे में ससुराल से बुलावा आ जाता है, तो उसका पति जो है अनफॉर्चुनेटली नहीं रहता। तो इस तरीके की कुछ कथा है। तो बाकी फिर उसकी भाभी वगैरह बोलती हैं कि तुम पैर छूते जाना, ये करते जाना, वो करते जाना। और फिर इस ऐसे करके चौथ माता मिलेंगी, उनसे विश मांगना और वो पूरा करेंगी और वो उपाय बताएंगे। तो उन्होंने उपाय बताया, उसने किया, तो उसका पति जीवित रहा। तो अच्छी आए सबकी आए, बुरी आई किसी की ना आए। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ। तो काफ़ी शॉर्ट में मैंने आपको कथा बताई है। आप मुझे बताना आपके यहाँ पर कौन सी वाली कथा सुनते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तो यहाँ पर हम सूर्य को अर्घ चढ़ा रहे हैं, और ये जो चुनरी है जो मैंने ओढ़ी हुई है ये मुझे कीर्ति ने भेजी थी, जैसे कि मैंने बताया विंदेश्वरी माता से के यहाँ से चुनरी भेजी थी। अब हो गई है संध्या, तो संध्या को हम करें पूजन, क्योंकि हमने कथा सुनने के बाद में थोड़ा एक बार हम चाय पानी पी लेते हैं, उसके बाद कुछ फ़ोटोशूट और कुछ रील्स बनाने के बाद में कुछ देर बाद ही हुआ अंधेरा। और जैसे ही शाम की पूजा पाठ से निवृत्त हुई, तो फिर चूरमा उरमा बनाने के बाद में मैंने पूजन करना शुरू कर दिया, क्योंकि चांद उतना भी लेट नहीं आया। 9 बजे ऑलमोस्ट चांद निकल गया था, 8:30 का टाइम था, 9 बजे निकल गया था। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ चौथ माता की पूजा। तो अब मैं चौकी अलग से नहीं लगाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर में ही कर लो। चलो भाई क्यों ऐसे अलग अलग माहौल क्रिएट करो। तो ये हमारी चौथ माता और अहोई अष्टमी की माता बैठी रहती है हमारे मंदिर में ही हमेशा, तो मैं वहीं उनका पूजन कर देती हूँ। और यहाँ पर हम आ गए हैं अर्घ चढ़ाने। यहाँ मुझे घर से थोड़ी सी दूर आना पड़ा चल के, समथिंग 15-20 कदम, क्योंकि हमारे घर से ना चांद दिखता नहीं है। छत के आसपास सारे जो हैं मकान वगैरह ऊंचे ऊंचे बन गए हैं, तो चांद काफ़ी बूढ़ा होने के बाद सामने दिखता है। तो बूढ़ा होने के बाद कहते हैं कि चांद को अर्घ नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी है तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर चांद अभी अभी निकला है देख लो, और मैं यहाँ अपने चांद को भी देख रही हूँ, और हमने चंदा मामा को भी देख लिया है। और यहाँ पर हमारे व्रत ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है इस व्रत में। हालांकि हम भूखे प्यासे भी रहते हैं, बट फिर भी यहाँ तक कि मैं तो बिना पानी के रह भी नहीं सकती हूँ। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम हो जाता है बिना पानी के, लेकिन कोई नहीं, हस्बैंड और बच्चों के लिए उतना भी, क्योंकि वो हमारे लिए जब इतना करते हैं तो हम एक व्रत उनके लिए कर ही सकते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए, है ना। तो वहाँ पर हमारी शुनू सब कुछ पकड़ के दिया वगैरह खड़ी है, क्योंकि यहाँ पर किसी का घर है तो यहाँ पर हम दिया नहीं लगा सकते, पता पड़ा कोई समझे कि टोटका वगैरह है। तो हम अपने घर के सामने के मुंडेर पर ही इस दिए को रख देंगे, घर के अंदर तो नहीं लेके जाते। तो यहाँ पर पतिदेव ने खुलवा दिया मेरा व्रत, और ये मुझे मिला है करवा चौथ का गिफ्ट।
आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। तो ये गिफ्ट है और आगे चल कर मैं कुछ अपने फ़ोटोशूट दिखाऊंगी आपको। शूट तो बहुत सारे हुए थे बट जो है ये हैं, ये एडिटिंग वगैरह सारी हस्बैंड ने किया है और पिक्चर्स हमारी शुनू ने क्लिक किया है। पोज ऑब्वियसली सी बात है पतिदेव ने सेलेक्ट किए थे तो ये हमने कुछ पोज क्लिक कराए। तो आशा करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और एक लाइक ज़रूर चिपकाना, और अगर व्लॉग काफ़ी अच्छे लगते हैं तो शेयर भी कर देना। और आप सभी के सपोर्ट से ही आगे बढ़ा जाएगा, तो अपना सपोर्ट मुझे हमेशा देते रहिए, वैसे प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए राधे राधे खम्मा घणी।